हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं, आपको पता होगा कि आप जैसे ही गूगल डायलर से कहीं भी बात करते हैं और अगर आप उस कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो तुरंत एक वार्निंग आ जाता है कि आपकी जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो रही है। और ये वार्निंग इधर भी सुनाई देती है और उस पर्सन को भी सुनाई देती है जिससे आप बात कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रह जाती है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं इसको बंद करने के, रोकने में एक तरीका और भी आता है कि आप इसको इस्तेमाल करिए, साथ में आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी ज़रूरत पड़ता है और उससे आप रिकॉर्डिंग करते हैं, इससे आप बात करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, हज़ारों एप्लीकेशन है कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, लेकिन उनमें से सही कौन सा है ये चुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक एप्लीकेशन लेकर आया हूँ और वो बेस्ट एप्लीकेशन है कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए। और उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर मिलते हैं जो आपको किसी भी एप्लीकेशन के अंदर नहीं मिलेंगे, कम्प्लीटली फ्री होने वाला है, ऐड उसमें आपको किसी तरह का दिखाई नहीं देगा और साथ में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे, साथ में उसको सेटअप कैसे करना, आप कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, ये भी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर आइए और प्ले स्टोर पर आने के बाद से आपको सर्च कर देना है क्यूब ACR। ये सर्च करते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आता है और एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस तरह का है और 9.3 MB का, यानी कि लगभग मात्र 10 MB का एप्लीकेशन है। लेकिन 10 MB के एप्लीकेशन में बहुत सारी ऐसी खास चीज़ें हैं जो दूसरे एप्लीकेशन के अंदर आपको नहीं मिलेंगी। डाउनलोड की अगर हम बात करें तो 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो इसका कुछ इंटरफेस इस तरह से आएगा और आप बड़ी आसानी से अपनी कॉल को रिकॉर्ड कर पाएंगे। साथ में अगर आप व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हो, स्काइप कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हो, फेसबुक कॉल, आप कहीं से वीडियो कॉल किसी से बात करते हो, ऑडियो कॉल बात करते हो, तो सारी रिकॉर्डिंग आप इससे कर पाएंगे। तो ये एक खास फीचर है जो दूसरे एप्लीकेशन के अंदर आपको नहीं मिलता है, बट इसमें आपको वो चीज़ मिलती है, तो उसके लिए आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए। ऑटोमेटिक आप अपने कॉल को आसानी से रिकॉर्ड कर पाएंगे। और साथ में दोस्तों अगर साउंड क्वालिटी की हम बात करें तो क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी यहाँ पर लिखा गया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो स्मूथ तरीके से होने वाली है। साथ में अगर आप उसका बैकअप रखना चाहते हो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग का, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, प्रीमियम का ऑप्शन मिलता है और ये सारी सेटिंग है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको फटाफट हम इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल करने के बाद से आगे की जो चीज़ें हैं, आगे की जो सेटिंग है उसको डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको हम फटाफट ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद से इसका जो यूज़र इंटरफेस है कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है वेलकम टू क्यूब ACR और यहाँ से आपको कुछ परमिशन देना होता है, तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए चार तरह का आपको परमिशन देना है, स्टोरेज का, एक माइक्रोफोन का, एक फ़ोन का, एक कॉन्टेक्ट का। तो ग्रैंड परमिशन पे क्लिक करेंगे और बारी बारी से आप इसको देते जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक्सेस दे दिया इसको। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको करनी है, जैसे एक्सेसिबिलिटी सर्विस और ये चीज़ें, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इनेबल ऐप कनेक्टर का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप टाइप करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सर्विस आ चुका है और उसमें क्यूब ACR ऐप कनेक्टर इस पर ऑफ है अभी, और अभी हम इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद से यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे इसको परमिशन दे दिया गया है हर तरह का, और डिस्प्ले पावर ऑप्टिमाइजेशन फॉर क्यूब, अगर आप इसको देना चाहें आप इसको भी कर सकते हैं या फिर इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए। अगर आपको प्रीमियम लेना है तो आप यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे जा सकते हैं, और या तो फिर आप यहाँ से कट कर सकते हैं। कट करने के बाद थे यू आर ऑल सेट टू गो, तो यहाँ पे सारे सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी और आप फ़ोन, व्हाट्सएप कुछ भी आप चालू कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन के बारे में और अच्छे से समझने के लिए आपको इस एप्लीकेशन के अंदर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि किसी भी तरह का भी कॉल रिकॉर्डिंग इस पर नहीं हुई है, तो कट कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका कुछ यूजर इंटरफेस इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे आपको 3 लाइनें मिल जाती हैं, इस पर आप जैसे टैप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप जब टैप करेंगे आपका प्रीमियम आ जाएगा और रिकॉर्डिंग हमारी चालू हो चुकी है। और यहाँ पे कुछ सेटिंग आ जाता है, जैसे रिकॉर्डिंग सेटिंग, बैकअप सेटिंग या मिसलेनियस कॉन्टेक्टस। तो सेटिंग में चलते हैं, तो रिकॉर्डिंग सेटिंग पर आप टैप करेंगे। रिकॉर्डिंग में करने के बाद से यहाँ पर ऑटो स्टार्ट रिकॉर्डिंग वो चालू है। इसकी हेडसेट कॉल अगर आप इसको करना चाहें आप ऑन कर सकते हैं। फ़ोन रिकॉर्डिंग ऑडियो सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब मिला जुला के यहाँ पे सारी सेटिंग पहले से ही कंप्लीट है और आपको अपने हिसाब से कुछ करना हो तो आप इसको कर सकते हैं। अब फिर से आ जाते हैं बैक में, यहाँ पे बैकअप और स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, वो सारा का सारा प्रीमियम है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। डार्क थीम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्रीमियम लेने पर मिलेंगी, तो प्रीमियम नहीं लेना हमें।
फ्री में इसका यूज़ करना है। तो इस तरह से इसको कम्प्लीटली सेट कर लेना है। इसके बाद से आप कहीं भी अगर कॉल करेंगे तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी और आप बहुत आसानी से इस चीज़ को रिकॉर्ड कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए क्यूब एसीआर एक्टिव हो चुका है, हमारी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो हो रही है और बिना किसी वार्निंग के आराम से हो रही है। तो कट कर देते हैं और आपको अगर चेक करना हो तो आप फिर से जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे एक कॉल आ चुका है कि हमने बात किया है 8 सेकेंड, और 3 डॉट पे टैप करने के बाद से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये एप्लीकेशन दोस्तों काम करता है। अगर आप फ्री में इसका इस्तेमाल करना चाहें आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। साथ में अगर आप इसका प्रीमियम प्लान लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही आपको बताना था इस बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में। तो मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में।